हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल साइंटिफैक्ट पे, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का नॉलेज दिया जाता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जेट यानी कि 12th के बाद में जो एग्रीकल्चर वालों का जो होता है इंटरेस्ट एग्ज़ाम यानी कि जेट, वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं, या होती है तो कितने रेशियो में होती है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है इसकी, और वो सब मतलब जेट के बारे में जितनी भी क्यूरीज होती है तो वो बच्चों को वो सारी आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है जेट। जेट यानी जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जिसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 5 टोटल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन आते हैं। और 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसमें से आपको कोई भी 3 चूज करने होते हैं। तो इसके जेट के अंदर लगभग बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर के पार्टिसिपेट करते हैं, वो ए बी सी को चूज करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री, इन 3 सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जेट का एग्ज़ाम है ये राजस्थान लेवल पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जो करवाती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, वो राजस्थान के अंदर कुल 5 यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर की, वो इनको करवाती हैं। तो 2019 में इनकी जो अब पीछे हुआ है जेट का एग्ज़ाम, उसको तो जो कोटा यूनिवर्सिटी उसने करवाया था, और उससे पहले लगातार 3 साल तक लगभग उदयपुर यूनिवर्सिटी ने करवाया था एग्ज़ाम, और अब जो अथॉरिटी है वो कोटा यूनिवर्सिटी ने ले ली है। और 2020 में पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी, इसका भी आगे पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। तो फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो इसको करवाती हैं, और जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि कुल 40 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन का है वो 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते हैं, और एक क्वेश्चन के गलत हो जाने पर 1 नंबर कटता है, यानी कि जब आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो समझ लेना आपका एक क्वेश्चन जो सही हुआ था वो भी कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटता है, और एक क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर मिलते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, जो कुल जो क्वेश्चन हो गए वो हो गए 120, और हर क्वेश्चन है वो लगभग 4 नंबर का है, तो फिर टोटल जो नंबर हो गए वो हो गए 480, यानी कि 480 में से जितने भी नंबर आपके आएंगे उस हिसाब से आपको है वो कॉलेज है वो दे दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी जो है वो कट ऑफ आती है। अगर आपको इस चीज़ पे भी वीडियो चाहिए कि किस तरह जेट की प्रोसेस होती है, इनकी कट ऑफ वगैरह, पिछले साल की क्या कुछ रही थी, आप मेरे को कमेंट में बता देना, आपके लिए मैं एक और वीडियो तैयार कर दूंगा। और अगर आपको जेट की आगे कोचिंग करनी है, अगर आप 1 साल की या फिर 2 महीने की वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में अगर आप कोचिंग जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले आप एक बार मेरी ये वीडियो देख लेना, जो कि मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में बात आती है कि लगभग इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है। तो लगभग ये मान के चलिए कि आप जो जेट की है वो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की तो लगभग 350 से ऊपर ही रहती है हमेशा ही, और जो सरकारी कॉलेज है उनकी लगभग 300 के आसपास रहती है, यानी कि जिन बच्चों के 300 नंबर, या ये मान के चलो आप लगभग 250 से ऊपर या 250 के लगभग जिनके नंबर होते हैं उनको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, और जिनके 350 के आसपास होते हैं उनको यूनिवर्सिटीज मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी अपनी वीडियो अबाउट दैट। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि आपको किस बात में कन्फ्यूज़न है, और आपको जेट को आगे कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके पास में बेल वाला आइकन है उसको भी दबा देना। ठीक है फ्रेंड्स।